हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत गुप्ता दिव्यांश बिरथरी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा, हमारा डायरेक्शन का पहला पार्ट आया था जिसमें मैंने पूरे डायरेक्शन का एक बेस बताया था और उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी करवाए थे। आज अपन पार्ट टू देखने जा रहे हैं और इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो SSC में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन SSC पूछता है। फिर इसके बाद पार्ट थ्री बनाएंगे अपन, उसमें क्या होगा कि वो वाले क्वेश्चन कराएंगे, कुछ एंगल वाले कोण आते हैं जैसे एंगल पर थीटा पर घुमाए जाते हैं, और कुछ सूर्य अस्त या फिर अपन बोलें कि सूर्य अस्त या फिर सूर्योदय के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसके ऊपर भी करेंगे, टाइम से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आज अपन पार्ट टू में डायरेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, देखिए जैसा लिखा है कि एक बिंदु पी से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो मैंने बोला जब भी डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चार दिशाएं बनाएंगे। तो अपन ने क्या बना ली, चार दिशाएं। दूसरी बात, पी बिंदु, तो मैंने बोला था ये बेस पॉइंट रहेगा, तो पी बिंदु कहां पर अपना जे वाला बिंदु है। उसके बाद उन्होंने बोला कि दक्षिण की ओर प्रारंभ करता है, वो भी कितने मीटर चलता है, 40 मीटर। तो दक्षिण किधर को बताया था मैंने, नीचे की तरफ, तो कितना चला वो, 40 मीटर चला, कहां पर, दक्षिण में। उसके बाद उसने उन्होंने बुलाए, उसके बाद वह अपनी बाईं ओर, तो मुझे बताइए अगर दक्षिण में अगर किसी का मुंह है दक्षिण की तरफ जा रहा है तो उसका बाईं ओर की तरफ होगा, इस तरफ की ओर होगा, और बाईं ओर देखो ये लिखा हुआ है किस तरफ, बाईं ओर। तो देखना ध्यान से, ध्यान से, बाईं ओर मुड़कर वो 30 मीटर चला। तो बाईं ओर अगर अपन चलाएंगे तो कितने मीटर चला वो, 30 मीटर। अब वो व्यक्ति कहां पर आ चुका है, एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम कौन सा है, आर। तो व्यक्ति कहां पर आ चुका है, आर बिंदु पर। तो कुछ नहीं किया समीर द्वारा, देखिए सब लोग, समीर पी बिंदु से स्टार्ट हुआ, दक्षिण में 40 मीटर गया, उसके बाद बाईं मुड़ा और 30 मीटर गया और आर बिंदु पर वो पहुंच गया। अब क्वेश्चन पूछा है अपने मूल बिंदु, किस बिंदु से, मूल बिंदु, मूल बिंदु से अब किस दिशा में। तो देखो मैंने बोला था कि ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से अगर मैं समीर को देखूंगा तो मुझे किस दिशा में दिखाई देगा, देखो वो मुझे इस वाली दिशा में दिखाई देगा। तो ये दिशा कौन सी है, देखो मैंने बोला था ये पूर्व दिशा होती है और ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, और दक्षिण पूर्व के बीच में दिशा बन जाती है दक्षिण पूर्व। तो देखो ये वाला आंसर दिखाई दे रहा है, दक्षिण पूर्व। हमेशा याद रखना दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में, क्योंकि मूल बिंदु से अगर मैं समीर को देखूंगा तो आर बिंदु इधर है और इधर से किस दिशा में दिखाई देगा मुझे, तो आर बिंदु पर दिखाई देगा, जो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो इसका अपना आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। जिस किसी ने भी अगर हमारा पार्ट वन ना देखा हो तो ध्यान से उस पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद पार्ट टू देखिए, और कल पार्ट थ्री आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन डायरेक्शन में, जो एंगल वाले आते हैं एंगल वाले, और सूर्य अस्त और सूर्य उदय वाले क्वेश्चन आते हैं, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4:30 पर आपकी परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे की ये करेंगे अपन कल। आज देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा है पार्ट टू का, जैसे लिखा है अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज के कोणों, मतलब कोने पर खड़े हैं। राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, अनिल को रवि तक पहुंचने के और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। देखो सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजाएं, और त्रिभुज अपन को पता है त्रिभुज होती है एक आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक क्या होती है, एक आकृति। तो देखो मैंने बना लिया कैसा, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर। अब देखो जरा ध्यान से, 3 लोग हैं, एक मैंने देखा कौन है अनिल, एक मैंने देखा कौन है राजू, और एक देखा अपन ने कौन सा है रवि। तीनों कहां बैठे हैं, तीनों इन कोणों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उनने बोला है कि राजू अनिल तक पहुंचने के लिए, देखो राजू जो है अनिल तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। तो देखो जरा ध्यान से, जे वाली दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, जे वाली दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की दूरी है। अब वो पूछ रहे हैं कि रवि तक पहुंचने के लिए अनिल को, देखो किसको, अनिल को रवि तक पहुंचने के लिए, अनिल को इस रवि तक पहुंचने के लिए तथा वापस आने, देखो प्रारंभिक स्थान पर वापस आने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें भुजाएं सभी कैसी होती हैं, समान। तो मुझे बताओ ये 3 किलोमीटर की है तो जे भी 3 किलोमीटर की होगी और जे वाली भुजा भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर की होगी। तो अब अनिल जब रवि तक आएगा तो 3 बार इधर आएगा,
3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर चलेगा इधर और फिर वापिस भी जाएगा कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो मुझे बताओ अनिल को रवि तक पहुंचने में और वापिस आने में कितना चलना पड़ेगा, 3 इस तरफ से चलना पड़ेगा और 3 इस तरफ से चलना पड़ेगा। तो इस अनिल ने कितने किलोमीटर की दूरी कवर की, तो बन बता सकते हैं अनिल ने कितने किलोमीटर की दूरी कवर की, 6 किलोमीटर की। फिर से देखिए दोबारा से, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है इसमें भुजाएं सभी कैसी होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। ये 3 लोग हैं तो मैंने देखा एक कौन है अनिल है, एक राजू है और एक कौन व्यक्ति है रवि है। अगर उनने बोला है क्वेश्चन में कि तीनों कहाँ बैठे हुए हैं, कोणों पर बैठे हुए हैं, राजू अनिल तक पहुंचने के लिए, देखो राजू जो है अनिल तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की। तो देखो समबाहु त्रिभुज है तो सभी दूरी कितने किलोमीटर की हो गई होंगी, सारी भुजाएं 3-3 किलोमीटर की हो गई हैं। अब उनने पूछा है अनिल रवि तक जाता है और वापस भी आता है अपने प्रारंभिक बिंदु पर, तो एक बार वो गया तो कितनी दूरी तय की उसने, 3 किलोमीटर की, और वापिस जब वो एक बार फिर गया तो उसने फिर कितनी की, 3 किलोमीटर की। तो 3 और 3 कितनी दूरी तय करनी पड़ी उसे, 6 किलोमीटर। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आएगा, 6 किलोमीटर। समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसा लिखा है कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, तो देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले दिशाएं बनाएंगे। तो एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 9 किलोमीटर कहां जाता है वो, दक्षिण में। तो देखो यहां से अपन 9 किलोमीटर दक्षिण में चलाएंगे, तो मैंने देखो इतनी दूसरा चला दी इसको कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब वो व्यक्ति कहां पर आ चुका है, वो व्यक्ति यहां पर आ चुका है, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, और उसके बाद वह पूरब किधर को मुड़ता है, देखो ध्यान से पूरब दिशा में, ये लिखा है पूर्व, मुड़कर 3 किलोमीटर कितने किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। तो देखो ध्यान से अपन पूरब दिशा में चलाएंगे इसको कितने किलोमीटर, यहां से देखो पूरब दिशा में चलाएंगे कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। पूरब इधर बताया था मैंने, पप्पू बताया था, अगर किसी को नहीं पता हो, ये पश्चिम होती है, ये किधर क्या होती है, पूरब। तो ये 3 किलोमीटर जाता है और वो व्यक्ति कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। उसके बाद फिर हुआ है दक्षिण में मुड़कर, दक्षिण किधर को है, नीचे की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। तो देखो जरा ध्यान से, दक्षिण यहां से चलेगा तो दक्षिण में किधर चलेगा, 3 किलोमीटर। तो व्यक्ति कहां पर आ गया, वो व्यक्ति अब यहां पर आ चुका है। इतना समझ में आया, नहीं आया वो फिर दोबारा देखिए कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो देखो यहां से अपन ने देखा 9 किलोमीटर दक्षिण में गया, उसके बाद वह पूरब में मुड़ता है, पूरब में कितना जाता है, 3 किलोमीटर। देखो 3 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद उनने बोला कि दक्षिण में जाता है फिर 3 किलोमीटर जाता है, तो 3 किलोमीटर अपन ने दक्षिण में चला दिया। अब उसके बाद उनने बोला है और फिर वो 8 किलोमीटर कहाँ जाता है, पश्चिम में। तो अब देखो यहाँ से 8 किलोमीटर पश्चिम में जाएगा, पश्चिम इधर को है। तो देखो पहले अपन इतना 8 नहीं होगा, इतनी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 3, क्योंकि इस दूरी के बराबर होगी। तो अभी इसने कितनी कवर करवाई अपन ने, 3। अभी कितनी और बात शेष रह गई अपने पास, 8 चलवाना है अपन को, तो अपन को पता है कितनी और रह गई, 5। तो ये टोटल अगर अपन दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितनी हो गई अपने पास, ये 5, 3, 8। तो अब ये टोटल दूरी कितनी चल रही है इसने, 8। अब आगे बढ़ते हैं अपन, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान देखो, प्रारंभ उसने यहां से किया था, कहां से किया था, देखो प्रारंभिक बिंदु उसका कौन सा था, जी वाला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, देखो क्या पूछिए अपन से, दूरी पूछिए। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन कराया था कि जैसे मान चलो मैं 4 दिशाएं बना लेता हूं, अगर मैं यहां से किसी व्यक्ति को चलाता हूं, वो व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, तो मैं बता दूंगा वो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है ना, समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति मान चलो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो जी वाली दूरी अपन बता नहीं पाएंगे। तो ऐसी अगर जैसे मान चलो इन दूरियों पर, अगर जैसे दिशाओं पर पता है अगर कोई दूरी आती है तो अपन पता कर लेते हैं, और अगर मान चलो तिरछी दिशा में आती है तो फिर अपन को पाइथागोरस प्रमेय लगाने पड़ती है। जैसे देखो इसमें देखिए सब लोग, जैसे मान के चलो अपन को पता है कि जी वाली मुझे क्या पता करना है, दूरी पता करना है। देखो जे वाली अपन को क्या करना है, दूरी पता करना है। तो देखो जरा ध्यान से, जे क्या बन गया, एक एंगल बन गया, देखो सब लोग जरा ध्यान से बन गया ना, तो जे कोण बन गया, थीटा बन चुका है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। और देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं जैसे जी क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक लंब है, देखो जरा ध्यान से क्या है, ये लंब है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो सबको पता होगा कि देखो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, याद रखना। कर्ण कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो देखो जरा ध्यान से, मुझे इसका मान पता करना है, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स, और जे वाली भुजा कितनी है, 5, और जे वाली कितनी है, देखो 9 यहां से लेकर यहां तक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी है, 3। तो अगर बात करूं 9, 10, 11, 12, तो टोटल ये भुजा कितनी हो जाएगी, 12, और जे वाली कितनी है, 5, तो जे वाली भुजा अपन को पता है कितनी हो जाएगी, 13। कैसे होगी बताऊंगा मैं, तो 13 होगी। देखो कैसे होगी,
कड़ पता है, कड़ अपन को मान लिया मैंने कितना है x है, लंब कोई सा ही मान लो, तो लंब 12 है, 12 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा 144, और देखो ये 5 है आधार तो 25 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 हो गया, तो x बराबर √169 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बाहर आ जाएगा 13 बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा अपना 13। बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सी में ट्रिपल जे वाले क्वेश्चन जो आते हैं यार अपना पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका आंसर कितना आएगा 13। अब सब लोग जरा ध्यान से देखिए, अगर कभी कभी ये क्वेश्चन जो आते हैं तो इसमें हर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, लेकिन मैं कुछ ट्रिपलेट बता रहा हूं जो फिक्स रहती हैं, उनको याद कर लोगे आंसर बहुत जल्दी ला सकते हो, देख लो सब लोग जरा ध्यान से, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41। देखो ट्रिपलेट बहुत सारी हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं। इन ट्रिपलेट में देखो जे आधार होगा या फिर जे लंब होगा, या फिर जे आधार होगा या फिर जे लंब होगा। इनमें से जो बड़ी भुजा है देखो, इसमें देखो 5 बड़ी है, इसमें 13, इसमें 17, इसमें 25 41, ये सभी क्या कहलाएंगी अपने सामने कर्ण कहलाएंगी, और ये सभी क्या होंगे लंब और आधार होंगे। जैसे मान के चलो कोई एक त्रिभुज है, मैंने बोला कि एक भुजा 3 है एक भुजा 4 है, तो अपन बता देंगे वो भुजा कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये देखो 5 से सीधा आंसर आएगा, कैसे आएगा, कर्ण का वर्ग 25 हो जाएगा और ये दोनों भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होगा, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, तो 16 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। इसी प्रकार अगर एक भुजा 5 है, देखो जे 5 है तो जे 12 होगी, तो जे कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। देखो इस सवाल में जे भुजा कितनी थी 5, जे कितनी है 12, और जे कितनी हो जाएगी 13, तो अपना सीधा आंसर आएगा कितना हो जाएगा 13। तो इनको याद करना पड़ेगा अपन को, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, बहुत सारी ट्रिपलेट होती है। देखो जे बेस होता है ट्रिपलेटों का, जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 3 जे है, जैसे मान चलना, और 4 जे और 5 जे, जैसे मैं इसको 30 बना दूं, इसको 40 बना दूं, तो जे अपने आप कितनी बन जाएगी 50, लेकिन मूल रूप तो यही है ना। जैसे मान के चलो मैं 3 का डबल कर देता हूँ कितना 6, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, तो मुझे बताओ 5 का डबल कितना करना पड़ेगा 10। ट्रिपलेट तो वही है लेकिन इसका मूल रूप है वो, लेकिन इससे ट्रिपलेट बनती चली जाएंगी। ये बात मैं बताइए किसी को समझ में नहीं आया हो तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए सब लोग, कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले आदमी एक स्थान चलना शुरू करता है 9 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो देखो अपने 9 किलोमीटर दक्षिण में चला दिया, उसके बाद वो पूरब में 3 किलोमीटर जाता है, देखो पूरब में चला दिया मैंने 3 किलोमीटर, उसके बाद वो मुड़कर दक्षिण में जाता है और 3 किलोमीटर फिर चलता है, तो देखो यहाँ से मैंने दक्षिण में 3 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद वो 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, देखो 8 किलोमीटर पश्चिम में जाएगा, तो पहले मैंने इतनी दूरी चलाई तो कितनी है 3, और इसके बाद मैंने 5 आगे बढ़ा दी, तो 3 और 5 कितनी हो गई 8, तो जे वाली दूरी। अब मुझे पता है उसके व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है और मूल बिंदु उसका जे है, तो मुझे यहाँ तक की जो लंबाई पता करना है, तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है, जैसे अगर वो यहाँ की लंबाई पूछता तो मैं बता देता अगर वो व्यक्ति यहाँ पे रुक जाता मान के चलो, तो 9 और 3 कितना होता है 12 12 आंसर आया था, लेकिन वो देखो तिरछे में है, तो देखो ये क्या बनता है, एक कोण बन जाता है, एंगल बन जाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सामने वाली भुजा कड होती है, तो कड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो अपन को पता है कड मैंने एक्स मान लिया, लंब अजे मान लो या अजे मान लो कोई भी एक में कोई भी एक मान लो, तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25 जोड़ दिया, रूल लगा दिया कितना आगे 13। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, बहुत होती है ट्रिपलेट, तो इसमें अगर मुझे पता है ये 5 है 12 है, तो मैं बिल्कुल 1 सेकंड में सोच सकता हूँ आंसर कौन सा हो जाएगा 13, तो मेरा आंसर कौन सा आएगा 13। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 गांव ए बी सी डी इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए के उत्तर में, तो मैंने बोला जब भी डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे 4 दिशाएं बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, बी ए के उत्तर में स्थित है, देखो जरा ध्यान से, जो बी है वो ए के उत्तर में है, तो अपन ए को कहां मानेंगे, इस जो अपन ने बिंदु बताया था उसी बिंदु पर मानेंगे ए को, बी ए के उत्तर में है, तो बताओ जरा ए का उत्तर कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, तो यहां पर कौन स्थित है, देखो बी स्थित है, ठीक है, इतना समझ में आ। शुरू से देखो, देखो बी ए के उत्तर में है, तो देखो अगर मैं ए को इधर मानूंगा तो ए के उत्तर दिशा कौन सी होगी, ऊपर की तरफ, तो इधर कौन स्थित है, बी स्थित, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सी बी के पूरब में, देखो जो सी है वो किसके पूरब में है, बी के पूरब में, तो देखो बी का पूरब किधर होगा, इधर होगा, तो इधर कौन स्थित है, देखो ध्यान से सी स्थित है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, ई ए के पश्चिम में, देखो जो ई है
वो किसके पश्चिम में, ए के पश्चिम में, तो इसका ए का पश्चिम किधर को होगा, इस तरफ को होगा, तो इधर कौन स्थित है, देखो ध्यान से, ई स्थित है, तो देखो मैंने ई को इधर कर दिया, आया समझ में, ठीक है, ई इस तरह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तथा डी ई के दक्षिण में, देखो यार डी है वो किसके दक्षिण में है, ई के दक्षिण में, तो देखो ये ई है, इसके दक्षिण में कौन है, देखो यार ध्यान से, यहाँ पर एक बिंदु एक गांव है जिसका नाम है कौन सा है, डी। फिर शुरू से देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई पांच गांव है, बी ए के उत्तर में, तो देखो ए के उत्तर में कौन है, बी, क्योंकि ए को मैंने मेन पॉइंट पे मान लिया उसको, ठीक है। सी बी के पूरब में, देखो जो सी है वो बी के पूरब में, देखो बी का पूरब किधर को होगा, इस तरफ को, सी वहां पे स्थित है, ठीक है। ई ए के पश्चिम में, तो देखो ई जो है वो ए के पश्चिम में, बिल्कुल सही है, जो ए है इसका पश्चिम इधर होगा, तो ई स्थित है वहां पे। डी ई के दक्षिण में, तो वो डी जो है वो ई के दक्षिण में, तो देखो इसको मैंने दक्षिण में कर दिया। अब अपन से क्वेश्चन पूछा गया जो सी है वो डी के किस दिशा की ओर स्थित है, देखो डी के किस दिशा की ओर स्थित है, ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया, लेकिन किस किसके बारे में पूछा गया, सी के बारे में, देखो सी जे है अपने सामने, तो अपन को सी का पता करना है और इसकी अपन को दिशा पता करना है, किससे, डी से पता करना है। तो अगर ये डी है तो देखो जब भी किसी बिंदु से अगर दिशाएं पूछी आए तो उस पर याद रखना चार दिशाएं बना लिया करो ऐसी, देखो अगर मैं इससे पूछूं डी से, अगर मैं पूरब में जाऊंगा तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, पश्चिम में जाऊंगा तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, तो अगर उत्तर में जाना पड़ेगा तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, दक्षिण में जाऊंगा तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, तो अब मुझे बताओ सी पे पहुंचने के लिए मुझे किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा, तो देखो सी के से पहुंच, सी के पास पहुंचने के लिए मुझे जी कौन सी है उत्तर और जी कौन सी है पूरब, तो अगर मैं डी से सी की दिशा को देखूं तो वो किस दिशा में दिखाई देगा मुझे, तो उत्तर पूर्व दिशा में वो दिखाई देगा, तो अपना आंसर आया कौन सा, उत्तर पूर्व, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चार दिशाएं बनाएंगे, तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो मैं यहां से चलूंगा जो मेन बिंदु अपना, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर और दाई ओर मुड़ा, तो देखो दाई ओर किधर को होगा, अगर मेरा मुंह उत्तर की तरफ हो दाई ओर मेरा इस तरफ होगा, ठीक है, दाई ओर मुड़ा, कितने किलोमीटर गया, देखो जरा ध्यान से, मैं 3 किलोमीटर गया, तो अब मैं कितना पहुंच गया हूं, 3 किलोमीटर, अब मैं आ गया हूं इस बिंदु पर, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, देखो दक्षिण की ओर कितना गया वो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मुझे थोड़ा कम चलाना पड़ेगा, क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली दूरी कितनी है 5, तो मैं इतनी चला दी, तो इसकी मतलब है कितने किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी, अभी कितनी शेष बची हुई अपने पास, 4 शेष बची हुई, ठीक है, गया। अब मैं अपने घर से कितना दूर हूं, देखो घर उसका जे था, अब उसको पता करना है, जे घर से जे वाली दूरी पता करना है, कि घर से जे वाली दूरी पर है, वो जो दूरी है, तो जी अपन को दूरी पता करना है कि वो कितनी दूरी पर है। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो तिरछी दूरी है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ऐसी दूरी है, देखो जरा ध्यान से, जैसे मान चलो जे वाली दूरी पर खड़ा है तो अपन बता देंगे कितनी दूरी है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो जे क्या करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगानी पड़ेगी या पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तो देखो जरा ध्यान से, मुझे जे वाली दूरी का पता करना है, तो जे वाली दूरी को पता करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन मैंने अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रिपलेट बताई थी, तो उनका प्रयोग करेंगे, देखो जरा ध्यान से, जी वाली दूरी अगर मैं देखो इतनी दूरी का पता करूं तो कितनी होगी, देखो जे पूरी इसके बराबर होगी, 5 है तो जे पूरी 5 है, जिसमें से एक जो ऊपर चलेगी तो जे कितनी बची होगी, इस तरफ 4 बची होगी, इतना समझ में आया, देखो सब लोग ध्यान से, जे वाली दूरी कितनी बची होगी, 4, ठीक है। अब देखो जरा वाला जरा ध्यान से, जे वाली दूरी कितनी है, इस दूरी के बराबर होगी तो ये कितनी होगी, 3 होगी ना, अभी मैंने एक ट्रिपलेट लिखाई थी 3 4 5, तो देखो जरा ध्यान से, जे वाली भुजा की लंबाई 3 है, जी वाली भुजा की लंबाई 4 है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर होगी, तो अपन से आंसर पूछा गया है कौन सी वाली भुजा पूछी गई, जी वाली भुजा, तो आंसर कितना आएगा, 5। इस ट्रिपलेट का याद रखना, जे देखो बची हुई दूरी 4 है, जे वाली दूरी इस दूरी के बराबर है, तो सामने वाले 3 है तो जे भी 3 होगी, और जे 4 बची हुई अपन को इसका पता करना है, 3 4 5, तो अपन को ट्रिपलेट पता है, तो जे वाली कितनी हो जाएगी, 5, देखो जरा ध्यान से, तो अपना आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, तो देखो मैंने बोला था सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे, देखो जी उसका अपन चाचा का घर मान लेते हैं कि चाचा का घर है ये, और सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर किधर चलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में, तो मुझे बताओ उत्तर दिशा देखो जी है और पश्चिम जी है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, जे वाली दिशा होगी, तो इधर से कितने मीटर चलती है, देखो जरा ध्यान से 45 मीटर चलती है, तो वो कहां पर आ गई, वो यहां पर आ चुकी, इतना समझ में आया।
वहां से उसे उसकी एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिलकर 45 मीटर दक्षिण पश्चिम में, कितने मीटर दक्षिण पश्चिम में, वो भी किधर याद रखना, दक्षिण पश्चिम में 45 मीटर जाएगी। तो देखो जरा ध्यान से, अब जैसे माने चलो मैं इधर से किसी व्यक्ति को चलाऊंगा तो मुझे चारों दिशाएं दिखाई दे रही हैं कि पूरा इधर को है, पश्चिम इधर को है, उत्तर इधर को, दक्षिण इधर को है, लेकिन इसमें याद रखना इसमें मुझे दिशा भी नहीं पता किधर को जाना है। तो जब भी ऐसी आए तो उस पर याद रखना छोटी सी चार दिशाएं बना लिया करो। देखो जैसे मैंने चार दिशाएं बना ली तो मुझे पता है देखो ये दक्षिण है, अगर मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा दक्षिण पश्चिम होगा, इधर को जाऊंगा तो दक्षिण पूरब होगा, समझ में आया ना, दक्षिण पूरा होगा। अब देखो दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाती है, तो देखो दक्षिण जी है और पश्चिम जी है, तो वो कहाँ पे जा रही होगी, इस तरफ जा रही होगी, कितनी जाएगी वो 45। तो देखो जे वाली 45 चली और जे वाली 45 चली, तो दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में जाती है, तो यहाँ पर वो दोनों सहेलियां यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। फिर भी 45 मीटर दक्षिण पूर्व में, देखो फिर आगे दिशा दक्षिण पूर्व, तो अपन यहाँ पे छोटी सी क्या बना लेंगे, दिशा बना लेंगे। तो देखो दक्षिण जे है और पूरब जे है, तो कितनी जाएगी वो 45। तो देखो 45 कितनी जाएगी, वो इतनी जाएगी, क्योंकि इसके बराबर चलाना पड़ेगा अपन को। तो अब वो दोनों फ्रेंड ने कहां पर आ गई, वो यहां पर आ चुकी है, आया समझ में, आगे देखते हैं, ठीक है। और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती है, देखो चाचा घर जी है, तो अब वो किधर को मुड़ जाती है, इधर को मुड़ जाती है, देखो जी मुड़ गई, किधर को, घर की तरफ को मुड़ चुकी है। अभी वे कौन सी दिशा में जा रही हैं? आप बताओ, चाचा के घर की तरफ जाएंगी तो उनको किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा, उन लोगों को इस दिशा की ओर जाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे चार दिशाएं बना देते हैं, देखो जी बना दी। तो देखो ये कौन सी दिशा है अपनी, पूरब है, ये कौन सी है, उत्तर है। तो उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा पड़ेगी मुझे, तो उत्तर पूर्व के बीच में दिशा पड़ती है उत्तर पूर्व। तो अपना आंसर वो किस दिशा में जा रही है, तो अपन को पता है वो लोग जा रही है किस दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में। तो कौन सा आंसर आएगा, पहला वाला आंसर आएगा, नहीं आया वो समझ में दोबारा देगी। देखो सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर चलती है उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ होगा, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इस तरफ गई 45 मीटर। अब वो उधर से अपनी सहेली के साथ चलती है 45 मीटर दक्षिण पश्चिम में, देखो यहाँ पे मैंने चार दिशाएं बना ली हैं, तो दक्षिण देखो ये है और पश्चिम इधर को होगा, इन दोनों के बीच में 45 मीटर गई, तो वो कहाँ पे आ गई, दोनों फ्रेंड यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी 45 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो देखो यहाँ पे मैंने फिर चार दिशाएं बना ली, तो देखो दक्षिण ये पूर्व ये, तो इधर को जाएंगी, वो कितने मीटर गई, 45 मीटर, तो वो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना वो अपने चाचा के घर की तरफ मुड़ जाती है, चाचा का घर देखो यहाँ पे ये लगा है घर, तो वो इस तरफ को क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो अपन को जी वाली दूरी पता करना है या फिर जी वाली दिशा पता करना है, तो देखो जी वाली दिशा, अगर मैं दूरी पूछूं तो 45 ही होगी, लेकिन दिशा पता करना है, दिशा किधर कितनी हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी ये। तो मैंने जैसे ही चार दिशाएं बनाई, तो देखो जो उत्तर है वो जो पूरब है, तो उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पूर्व। आंसर आया कौन सा वाला, पहला वाला, आया समझ में, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिस किसी ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें, इस पार्ट की, पहले पार्ट की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चार दिशाएं बनाएंगे, ठीक है, और यहां से चलेंगे मेन पॉइंट है जो अपना, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरब, तो पूरब की तरफ देखो इस तरफ है, तो अपन पूरब दिशा में कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो अपन कहां पे आ चुके हैं, यहां पर लिखा है कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर, तो मुझे बताओ अगर मैं इस तरफ की ओर जा रहा हूं तो मेरा बाईं ओर की तरफ होगा, इस तरफ की तरफ, तो बाईं ओर की तरफ होगा ऊपर की तरफ। तो अब कहां पे चलेंगे अपन, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता हूं, तो कितना गया देखो वो, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अब देखिए ध्यान से, मैं अपने पूर्व दिशा की ओर गया 5 किलोमीटर, उसके बाद बाईं तरफ गया 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। अब जब बताइए कि अगर अपन उत्तर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बायां कौन सा होगा, इस तरफ, तो बाईं ओर गया कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो वो 3 किलोमीटर जे वाली बिंदु हो गई, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति कहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, ठीक है। उसके पश्चात मैं 3 किलोमीटर बाईं फिर जाता हूं, फिर देखो एक तीन बार बाईं, दो एक दो और एक तीन, देखो तीन बार, तीनों बार बाएं। अब वो फिर पश्चात, उसके पश्चात 3 किलोमीटर बाईं और जाता है, तो मुझे बताओ अब यहां से बाईं, अगर मेरा मुंह इस तरफ की ओर है तो बाईं किधर को होगा, उसके नीचे की तरफ कितना जाता है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर कितना जाएगा, वो इस दूरी के बराबर जाएगा। तो देखो वो कहां पर आ गया है, वो यहां पर आ गया है। ये दूरी टोटल कितनी थी, 5, तो ये वाली कितनी हो चुकी है, 3, तो ये हो चुकी है 3, तो ये बची होगी 2, और ये टोटल कितनी है, 5। इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर, देखो शुरू उसने यहां से किया था, और यहां से वो बिंदु पर को जीवाला बिंदु तक पता करना है, जीवाली दूरी पता करना है। तो कितनी दूरी पर है, देखो 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो ऑप्शन कौन सा है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले चार दिशाएं बनाई, मैं अपने घर से पूरब, मैं अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता हूं, तो पूरब दिशा जे है, 5 किलोमीटर जाता हूं, उसके बाद मैं बाईं तरफ 3 किलोमीटर जाता हूं,
उसके बाद फिर बाई तरफ 3 किलोमीटर जाता हूँ, उसके बाद फिर देखो बाई तरफ इस तरफ होगा, अब इसका बाई तरफ इधर होगा, तो 3 जाएगा इसके बराबर जाएगा, तो जे वाली दूरी 3 है, जे वाली 3 है, तो जो बची हुई कितनी है 2। अब वो व्यक्ति लास्ट टाइम पर यहाँ पर आ चुका है, तो प्रारंभिक बिंदु से जे वाली दूरी पता करना है, तो कितनी हो जाएगी 2, तो अपना आंसर कौन सा आएगा, जे वाला। अब देखिए सब लोग, कल अपन डायरेक्शन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद कुछ एंगल वाले कोड आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 90 डिग्री घुमाने पर, 135, 270 घुमाने पर, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ दिशा परिवर्तन वाले आते हैं, जैसे पूरा पश्चिम को, जैसे पूर्व उत्तर को उत्तर दिशा बोल दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो दिशाएं घुमाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो अपन नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट कल जो आएगा उसमें करेंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो कल की वीडियो के लिए इंतजार करें, धन्यवाद।